इंडियन टेलीविजन एकेडमी। सर पहली बार डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर जो है रैंप पर होंगे, आप सभी को शेयर करिए, क्या कहना चाहेंगे? मुझे बेहद 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 खुशी है, क्योंकि ये नहीं है कि डायरेक्टर्स को उनका ड्यू नहीं मिल रहा, ऐसा कुछ नहीं है, बट इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है अपने आप में बहुत ही शानदार है। तो मुझे बेहद खुशी है कि ऐसे हमारे डायरेक्टर्स राइटर्स जो हैं स्टेज के ऊपर वॉक करेंगे, मुझे बेहद बेहद खुशी है। आइडिया का 17 ईयर है तो हमेशा बेटर होता चलता जा रहा है, और इस साल देखो ये नई चीज़ इन्होंने क्रिएट की है, तो यही शशि और अनु जी की क्वालिटी है, कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं। व्हाई नॉट, राइटर्स हमेशा इतनी क्या नहीं, देखो जब तक राइटर लिखेगा नहीं तो आप क्या बोलेंगे, तो इतनी मेहनत करते हैं वो, और इस तरह का आपने उनके लिए बनाया है, तो मुझे तो बहुत खुशी है राइटर्स के लिए और डायरेक्टर्स के लिए। और भी जो इस तरह के डिपार्टमेंट है उन सबको रैंप पे चलाइए, वॉक कराइए, हम लोग ताली बजाएंगे उनके लिए, बहुत खुशी की बात है। क्योंकि मैं शशि जी को जानता हूँ काफ़ी सालों से, मुझे है कई फंक्शंस में उनका अटेंड भी करता हूँ, तो अच्छी बात यह है कि वो हर साल बेटर होते जा रहे हैं और उनके प्रोग्राम बेटर होते चले जा रहे हैं, अवार्ड बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं जिस तरह वो बनाते हैं अपना प्रोग्राम, तो ये यही खुशी की बात होती है, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ तो मुझे और अच्छा लगता है। यस यस, ज़रूर ज़रूर कहना चाहूँगा मैं पूरे देशवासियों को, मेरी तरफ से, ये मेरा बेटा राघव है, हम दोनों की तरफ से पूरे देश को इंडिपेंडेंस डे की बहुत 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 शुभकामनाएं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये, पहली बार मैंने सुना है, मैं इतने फंक्शंस में गया हूँ मैंने कभी ये आइडिया नहीं सुना, ये साल ब साल इम्प्रूवमेंट की ही निशानी है, हर साल नया आइडिया लेके आना आसान नहीं होता, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई एम श्योर इट्स गोना बी अमेजिंग। अपने वो भी आप देश के लिए इंडिपेंडेंस का बोल दीजिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ अस एंड हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ सेफ डे। किसको? अच्छा हाँ हाँ, नए प्रसन्न जोशी आए, तो आपको लगता है अभी कुछ बदलाव हो सकता है सेंसर बोर्ड में, जिस तरह से कट टू कट किए जा रहे जिससे पूरा बॉलीवुड है? देखिए क्या होता है, कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं वो बिल्कुल आसान नहीं होती है, बहुत मुश्किल होती है, उस कुर्सी ही बड़ी मुश्किल है, उसमें बहुत सी चीज़ें जो आदमी नहीं करे तो बुरा बन जाता है, है जिसके लिए कर दिया अच्छा हो जाता है। तो जो भी प्रहलाद जी से हुआ, ये चेंजेस आते रहते हैं, इनसे प्रहलाद जी से पहले कोई था, प्रहलाद जी ने अपनी इनिंग जो रूल के मुताबिक होगी, जो उनके मुताबिक होगी, उन्होंने वैसा ही काम किया। अभी जो आए हैं वो भी अपने हिसाब से चलेंगे, जो अच्छा होगा करेंगे, हम तो बाहर से यही देख सकते हैं कि वही चीज़ हो जो जिस पे मेहनत की जाए वो लोगों तक ज़रूर पहुंचे, और ये भी हमें ध्यान भी रखना चाहिए, सेंसरशिप अगर लगी है तो हमारे ऊपर लगी है, ताकि हम एक कंट्रोल में चीज़ें बनाएं, इसका ध्यान भी हमें रखना चाहिए, और सामने वाले जो इस डिपार्टमेंट में हैं इस चीज़ का ख्याल रखते हैं, वो भी ख्याल रखें कि किस नीयत से चीज़ बनाई गई है और उसको किस तरह हम पेश करना चाहते हैं। अगर नीयत सही है, सोच सही है, तो मुझे लगता है कि कई चीज़ों को थोड़ा अलाउ भी करना चाहिए। देखिए उनका कंसर्न मैं महसूस कर सकता हूँ, मैं समझता हूँ, इतने साल हो गए हैं, ये बात सही है कि ज़रूर कुछ ना कुछ कहीं कोई कमी रह जाती है, लेकिन कभी कभी प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम सोचें तो मुश्किल भी होता है, लेकिन आज इस बात को लेके ये कहना कि ये नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है, ये होना ही चाहिए, क्योंकि हमारी सोच बेहतर हो रही है, हमें बेहतर सोचना चाहिए। तो क्या है कि अभी काम तो वही होना चाहिए जिसमें काम करने वाले भी सेफ हैं और उनको भी मज़ा आए, और ये जो बेसिक ज़रूरतें हैं ये तो मुझे लगता है इन चीज़ों के इंतज़ाम होने चाहिए, हम लोग बेटर होते चले जा रहे हैं हर साल, तो मुझे लगता है कि ये जो कमियां हैं ये ज़रूर दूर होनी चाहिए, मुझे ऐसा फील होता है। थैंक यू डियर, ऑल द बेस्ट।